दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का और ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पबजी और फ्री फायर के आईडीज में बहुत ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं और सिक्योरिटी की लग गई आपके फेसबुक अकाउंट पे। तो आज की वीडियो में बताने वालों की सिक्योरिटी की होती क्या है और ये कैसे काम करती है, क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप लोग बोल रहे हो कि भाई हम लोग कोई बोल रहा है कि हमने परचेज कर ली है सिक्योरिटी की फेसबुक के लिए, और कोई कह रहा है कि हम मंगा लें क्या क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की उससे हट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे दिखा रहा है कि सिक्योरिटी की लगाइए और तब जाके आप अकाउंट लॉगिन होगा। तो आज इसके बारे में बात करने वाले कि अगर आप सिक्योरिटी की ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, और ये कितने की आती है, तो क्या ये काम करेगी आपके अकाउंट में, और क्या आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, और अगर आप मंगा लेते हो तो फिर ये काम करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं, और क्या आपको मंगानी चाहिए, और इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, कुछ लोग अकाउंट रिकवर हुआ है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसी ट्रिक से, जो मेथड है आईडी अपलोडिंग वाले से, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं, जब एक 13 साल का बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को देखिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट टिप टिक्स एंड टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों देखिए पहले सिक्योरिटी की होती क्या है। देखिए सिक्योरिटी की इतना पेन ड्राइव होता है ना, उस टाइप की सिक्योरिटी की होती है, वो आपके पास आती है और आप उसको ऑर्डर करोगे ना, तो आई थिंक 4 से 5 हज़ार के बीच में वो सिक्योरिटी की आती है ना, जो इतनी बड़ी होती है। तो सिंपली करना क्या होता है, आपको अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना होता है, सेटिंग में जाके और प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे, जैसे आप तो वहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी की का, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो मैं बता रहा हूँ पहले इनेबल कैसे करते हैं ना, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा सिक्योरिटी की इंसर्ट कीजिए, तो आपने जो नई सिक्योरिटी की मंगाई है उसको लगाइए, ठीक है, और उसको जब इनेबल करेंगे तो एक तरह का कोड बोल लीजिए आप, वो उस फेसबुक उस चीज़ को आपके सिक्योरिटी की में ट्रांसफर कर देता है और आपका काम डन हो गया। उसके बाद में जब आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में दूसरे डिवाइस में अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, कभी भी अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे ना, तो जो आप नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करोगे, वहां पे एक पेज आएगा जो आपसे कहेगा सिक्योरिटी की लगाइए, तो आपको पेन ड्राइव जो है एक जो कि सिक्योरिटी की होती है उसको लगाना होगा, तब जाके वो उस कोड को रीड करेगा और तब जाके आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फेसबुक का। ये काम होता है सिक्योरिटी की का। तो सिक्योरिटी की अगर आप लोगों के पास है तो आप इतना कर सकते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि हम ऑर्डर करते हैं, देखिए जब आप लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट में सिक्योरिटी की लगाई ही नहीं है तो आप उसको मंगा के फायदा क्या, क्योंकि वो तो एकदम प्लेन सिक्योरिटी की आ रही है ना, वहाँ जब ऑर्डर कर रहे हो उसमें कुछ है ही नहीं, उसको अपने अकाउंट में लगाओगे तो कुछ करेगा ही नहीं भाई वो, क्योंकि आपने इनेबल की ही नहीं है। अगर आप पहले सिक्योरिटी की होती आप उसको इनेबल करते और बाद में लगाते तो बात बनती, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी ऑर्डर मत कीजिए, अगर कर दिया तो कैंसिल कर दीजिए अभी अगर आपके घर तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे 5-6 हज़ार रुपये बिना फालतू में, तो उससे नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि होगा कैसे, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है भाई, देखिए मेरे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, क्योंकि जो ओरिजिनल और लीगल और फेसबुक बता रहा है ना, मैं वही ऑप्शन आपको बता रहा हूँ जिससे आप कर सकते हैं। अब एक 13 साल के बच्चे ने रिकवर किया, मैं आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा दूंगा उससे मैंने जो बात की है ना, और कई बंदों ने किया है, मेरे पास कई मैसेजेस कमेंट्स आते हैं, किसी ने आधार कार्ड से किया, किसी ने वोटर आईडी कार्ड से किया उसी मेथड से जो मैंने बताया, और एक बंदे ने किया है अपने स्कूल के आईडी कार्ड से, जो कि लड़का है 13 साल का, मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि उसने स्कूल का आईडी कार्ड लगाया था। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी गवर्नमेंट आईडीज लगती हैं, और अगर आप ज़्यादा छोटे हो या फिर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी नहीं आता, कि आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है ना, तो आप स्कूल का आई कार्ड, डिप्लोमा, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें भी एक्सेप्टेड कर रहा है फेसबुक, उनको भी लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमने तो आधार कार्ड भी लगाया लेकिन हमारी जो आईडी है तब भी रिकवर नहीं हुई, फेसबुक ने तब भी उसको रिकवर नहीं किया, कोई मेल नहीं भेजा। तो अगर आप लोगों ने आधार कार्ड भी लगा लिया और फेसबुक वहाँ पे ये लिख के भेजता कि आपकी आईडी की डिटेल्स मैच नहीं हुई, तो क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ साइड में, इसको देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ मैच होनी चाहिए अगर आपके पास गवर्नमेंट आईडी है। तो देखिए आपकी फेसबुक आईडी में से आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो आप आईडी अपलोड कर रहे हो उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच हो, अगर डेट ऑफ बर्थ मैच ना हो तो नाम और फोटो, ये दो चीज़ मैच हो, कोई भी दो चीज़ मैच होनी चाहिए तीनों में से, तो नाम तो होना ही होना चाहिए दोनों में, लेकिन हाँ फोटो डेट ऑफ बर्थ में अल्टरनेट कुछ भी चल जाएगा, ये मैच होना चाहिए है ना, अगर आप आईडी कोई भी लगा रहे हो तो ये बात आप याद रखना। और अगर नाम या डेट ऑफ बर्थ मैच ही नहीं हो रहा है ना, अगर नाम ही मैच नहीं हो रहा तो आईडी रिकवर होगी ही नहीं पहली बात, तो दूसरी बात अगर आपको फेसबुक ये कह रहा है कि आपकी आईडी मैच नहीं हो रही, जबकि आपकी आईडी जो है, आपकी जो आईडी है फेसबुक की और जो आप आईडी अपलोड कर रहे हो आईडी प्रूफ, उसमें सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन फेसबुक उधर से मेल करके बता रहा है मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि फेसबुक आपकी आईडी आपको रिकवर करके नहीं देगा। अब ये हुआ किस लिए है मुझे कंफर्म तो नहीं पता, वैसे देखिए एग्जैक्ट मैं आपको रीजन तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये जो आपका आईडी ब्लॉक हुई है ना,
फेसबुक ये चाहता है कि आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाए कि आप ही इस अकाउंट के मालिक हैं, आप ही इस अकाउंट को चला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं साइड में आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जिसमें फेसबुक ने लिखा है कि हम आईडी क्यों कंफर्म करते हैं। उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई है ना, जैसे कि आपके पास कोई ज्यादा ही मैसेज आ रहे हैं, हम ज्यादा किसी को लोगों को मैसेजेस भेज रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसी चीजें कर रहे हैं जो फेसबुक को स्पैम लगती है। फिर फेसबुक को लगता है कि ये बंदा सही नहीं है, कुछ सही नहीं कर रहा, तो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी चाहिए। तो इसी वजह से फेसबुक ने आपके अकाउंट पे आईडी वाला सीन कर दिया है कि आप अपनी आईडी हमें सबमिट कीजिए, हम मैच करेंगे। और अगर आपको हमको लगता है कि हाँ रियल अकाउंट है, रियल बंदा कोई चला रहा है, ठीक है, तो हम उसको रिवर कर देंगे। काफी बंदे के हुए ऐसे नहीं है, किसी का नहीं हुआ। तो अगर आपने कुछ तगड़ा ये सीन किया हुआ है ना, बेशक अनजाने में किया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के, अनजाने में किया हो, क्योंकि ज्यादातर गेमर्स क्या आ रहे हैं, आपने कुछ भी अनजाने में किया, कुछ भी गलत किया, कुछ भी किया है ना आपके अकाउंट के साथ में, और अगर फेसबुक ने कंफर्म करके बैठ गया कि भाई हमको अकाउंट रिकवर नहीं करना है इस बंदे का, तो करेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी आईडी सेंड कर लीजिए। और उनको करना है तो आप स्कूल का आईडी कार्ड कर दीजिए, अपना आधार कार्ड कर दीजिए, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी कर दीजिए, वो एक बार में हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, जब आप आईडी अपलोड करते हो ना, वहां पे फोटो खींचने का ऑप्शन नहीं आता। वहां पे जब आप उस कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वहां पे क्या होता है, जो आपका जो आईडी कार्ड कुछ भी है ना, आप उसको कैमरा ले आते हो तो मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक कर लेता है। तो याद रखिए कि जो कैमरा आपका हिले ना और फोटो क्लीन एंड क्लियर आए, है ना, ये बात याद रखिए। पूरा जो आईडी कार्ड है ना पूरा आना चाहिए, नहीं साइड में से कट रहा है, इधर से कट रहा है, पूरा आईडी कार्ड है उसका फोटो लीजिए और सबमिट कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर ये करोगे भाई हेल्प कर दो, हमारी हेल्प कर दो, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बता रहा हूँ, मैंने आईडी बना, मैंने वीडियोस बना दी हैं, उन वीडियोस को देखिए, जैसे उसमें बताया बिल्कुल सेम वही करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फेसबुक सिक्योरिटी की बिल्कुल भी बाय मत करना। अगर हाँ आप अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में सिक्योरिटी की नहीं लगी है ना और अपने अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, लॉगिन कर पा रहे हो, तो मंगा लीजिए, सिक्योरिटी की लगा के रखिए, क्योंकि काफी काम की चीज होती है, हैकिंग वगैरह से बचाती है। लेकिन अगर इसलिए मंगा रहे हो कि आपके अकाउंट में बोल रहा है कि सिक्योरिटी की लगाई, आपका अकाउंट लॉक हो गया, तो बिल्कुल भी मत मंगाइएगा। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, क्योंकि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।